नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यूपी के जौनपुर में एक गांव 20 घंटे से दहशत में है। यहां कल शाम से एक तेंदुआ एक घर में घुस गया, जिसके बाद पूरा गांव डरा और सहमा हुआ है। तेंदुए ने 3 लोगों को घायल कर दिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेंदुआ एक घर में घुस गया और एक कमरे से दूसरे कमरे में वो घूम रहा है। एक खूंखार तेंदुआ एक कमरे से दूसरे कमरे में देखिए किस तरह से चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेंदुआ एक घर में घुस गया और एक कमरे से दूसरे कमरे में वो घूम रहा है। एक खूंखार तेंदुआ एक कमरे से दूसरे कमरे में देखिए किस तरह से चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में फंसी महिलाओं ने खुद को एक दूसरे कमरे में अलग कमरे में बंद कर रखा है और बाहर लोग उनको बचाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अंदर कोई भी दाखिल होने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा। तेंदुए को घर से निकालने के लिए वन विभाग की टीम गांव में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक वन विभाग को कामयाबी मिल नहीं पाई है। यूपी के जौनपुर में पिछले 20 घंटे से तेंदुए की वजह से डर और दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक घर में तेंदुआ घुसा हुआ है और घर की महिलाओं ने खुद को एक कमरे में कैद कर रखा है। राजन मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, वन विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही ये तेंदुआ घर में घुसे लेकिन उसको पकड़ के ले जाया जा सके, लेकिन पिछले 20 घंटों से क्या ये तेंदुआ इसी घर में घुसा हुआ है? चित्र आपको बता रहे कि पिछले 20 घंटों से तेंदुआ जो शाम के करीब 3 बजे करीब इस घर में घुसा है और सर महिलाएं पुलिस प्रशासन ने बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी मुश्किल से ही उन लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तेंदुआ अभी भी घर में है और बाहर से चैनल बंद कर दिया गया है और वन विभाग की टीम यहाँ पे आ गई है, लखनऊ कानपुर से टीम आ गई है और पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तेंदुआ अंदर ही घर के अंदर है, अभी पकड़ा नहीं गया है। चित्रा, इस घर में कुल कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आप को एक अलग कमरे में बंद करके रखा हुआ है डर की वजह से? जी, इस घर में करीब 2 महिलाएं और 2 बच्चे थे जो कि कमरे में खुद को बंद की थी, लेकिन पुलिस ने बड़ी सतर्कता दिखाते हुए ऊपर छत के जरिए नीचे कमरे में पुलिस दाखिल हुई और महिलाओं को बाहर निकाल लिया। तो अब किसी भी जान माल का खतरा नहीं है, लेकिन तेंदुआ घर में है जिसको छोटे छोटे गाँव में और क्षेत्र में पूरे दहशत व्याप्त है। चित्रा, चलिए राजन आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं। पिछले 20 घंटे से एक घर में घुसा हुआ है तेंदुआ, एक कमरे से दूसरे कमरे में ये जा रहा है। घर में पहले महिलाएं थीं, फिलहाल उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। आप देखिए तस्वीरों में वन विभाग को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। वन विभाग की टीम कई घंटे से वहां पर मौजूद है। राजन मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब राजन, सवाल यही खड़ा हो रहा है, वन विभाग के सामने दिक्कतें किस तरह की आ रही हैं जिसके कारण अभी तक इसको पकड़ा नहीं गया? चलिए अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे। यूपी के जौनपुर में एक गांव है जो पिछले 20 घंटे से दहशत में है। कल शाम 3 बजे एक तेंदुआ एक घर में घुस गया, जिसके बाद पूरा का पूरा गांव डरा और सहमा हुआ है। इस तेंदुए ने 3 लोगों को घायल भी कर दिया है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे हैं ये तेंदुआ कैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है और इसी वजह से घर वालों के मन में डर और दहशत का आलम। हालांकि घर के अंदर जो महिलाएं मौजूद थीं जिन्होंने अपने आप को एक कमरे में कैद करके रखा हुआ था, उन सभी को बाहर निकाला जा चुका है और अब वन विभाग के सामने चुनौती इस बात की है कि इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि 3 लोगों को ये तेंदुआ जख्मी कर चुका है। यूपी के जौनपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि जहां पर ये गांव है उसी से सटा हुआ वन क्षेत्र इलाका है और इसी वजह से ये तेंदुआ वहां पर उस गांव में चला आया और फिर एक घर में घुस गया। राजन फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। राजन, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वन विभाग को, चूंकि पिछले कई घंटों से मशक्कत वन विभाग की टीम की जा रही है लेकिन अभी तक कामयाबी उसे नहीं मिली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कितने इसलिए है क्योंकि चूंकि घर है और अगल बगल में भी घर है तो ग्रामीण जो है वो समझ नहीं रहे और ग्रामीण भी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं और तेंदुआ घर के अंदर है तो चैनल अगर खोलते हैं तो वो इतना अग्रेसिव हो जाएगा, वो हमला कर सकता है, इसलिए एक बड़ा पिंजरा मंगाया जा रहा है, उसके अंदर उसको पकड़ने का प्लान किया जा रहा है। अभी भी वो अंदर है और उससे लोगों को अंदर भय व्याप्त है। चित्रा, इस घर में तो अब कोई मौजूद नहीं है, सबको निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, घर में जो महिलाएं थी उनको पुलिस प्रशासन ने बाहर निकाल दिया है तो घर में कोई भी नहीं है, अगल बगल के घरों को भी खाली कराया जा रहा है और लोगों की भीड़ हटाई जा रही है जिससे कि अगर उसको बाहर निकाला जाए तो किसी भी तरह कोई हादसा ना हो। इस तेंदुए की वजह से 3 लोग घायल भी हुए हैं राजन?
तेंदुए की वजह से तीन लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। तेंदुआ भी आया तो नदी के किनारे किनारे आया था और खेत में बैठा हुआ था। जब ग्रामीणों ने देखा तो उसने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, लेकिन जिसमें तीन लोग घायल हुए और जब ज्यादा ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई तो तेंदुआ खुद को एक घर के अंदर घुसा दिया और लोगों ने चैनल को बाहर से बंद कर दिया है। चलिए आप नजर बना रखिए, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता राजन मिश्रा हमें जानकारी देते हुए, और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक गांव के एक घर की हैं जिसके भीतर तेंदुआ पिछले 20 घंटों से इधर से उधर टहल रहा है और वन विभाग के सामने चुनौती है इस तेंदुए को पकड़ने की।